पाबंदी पर अनुता को लेकर जो खबर आई है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। और जब जब पवन अनुता की ऐसी खबर आती है तो फैंस का सपना टूट जाता है, उनके अरमानों पर पानी फिर जाता है और सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। जैसा कि हर कोई पवन अनुता को एक साथ देखना चाहता है, आज नहीं तो कल पवन अनुता एक दूसरे के होकर रहेंगे। इवन इस वक्त प्यार मोहब्बत का महीना चल रहा है तो पवन अनुता के पास मौका भी है कि ये दोनों एक दूसरे से दिल की बात कह दें। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पवन अनुता के बीच मन मुटाव हो गया। दरअसल हुआ ये कि कल वाले इवेंट में पवन अनुता मंच पर गाने के लिए चढ़े थे कि तभी एक शख्स अरुणिता और पवन को वापस बुलाता है, शायद उसको कुछ बात करनी थी। अब अरुणिता गाने की शुरुआत कर चुकी थी इसलिए उन्हें वापस जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन उनकी वजह से उन्हें वापस जाना ही पड़ा और उनका मूड ऑफ हो जाता है। ऐसे में अरुणिता पहले पवन से कहती है कि तुम जाकर उनको बोल दो कि शो कम्प्लीट होने के बाद हम बात करेंगे, लेकिन पवनदीप अरुणिता को इग्नोर करके उनकी बात सुनने चले जाते हैं और अरुणिता उनसे नाराज हो जाती है। अरुणिता को इतना गुस्सा आता है कि वो पवनदीप से कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन मंच पर पवनदीप को इतना टॉर्चर करती है कि ये सब वीडियो में दिख जाता है। जी हाँ, मंच पर पवनदीप की तरफ देखती तक नहीं है और पवनदीप से राय मशवरा लिए बिना ही वो अपने मन के गाने गाए जा रही थी। अरुणिता का गुस्सा देखकर पवनदीप समझ जाते हैं कि कुछ तो दाल में काला है और ये क्यूट किस्सा देखकर फैंस एक बार फिर इस जोड़ी के दीवाने हो गए। वहीं दूसरी तरफ फैंस का कहना है पवनदीप अरुणिता से डर गए हैं। क्या अरुणिता से डरते हैं पवनदीप? तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? टीवी का पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 को जल्द ही 5 महीने पूरे होने वाले हैं। ये शो बीते 5 महीने से लोगों का जमकर एंटरटेनमेंट कर रहा है। 10 सितंबर 2022 को शुरू हुए शो से अब तक एक एक से बढ़कर एक सिंगिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। वही इंडियन आइडल 13 को अब तक टॉप 8 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं, जहां शो के जज कंटेस्टेंट की गायकी से खूब इम्प्रेस होते दिखाई दे रहे हैं। वही शो में आने वाले गेस्ट जज भी सिंगिंग का टैलेंट देखकर हैरान रह जाते हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में वेटरन स्टार्स धर्मेंद्र और मुमताज पहुंचे थे। दोनों स्टार्स ने कंटेस्टेंट की जमकर तारीफ की। मुमताज तो एक कंटेस्टेंट की गायकी से इतना खुश हुई कि उन्होंने 1,00,000 रुपए इनाम के तौर पर दे दिए। जी, इंडियन आइडल 13 के रविवार वाले एपिसोड में दिखाया गया कि धर्मेंद्र और मुमताज शो के स्टेज पर पहुंचते हैं। इस दौरान दोनों ने अपनी फिल्मी करियर के दौरान के किस्से भी शेयर किए। मुमताज ने कंटेस्टेंट के साथ डांस भी किया, धर्मेंद्र के साथ भी डांस किया। इस तरह से मुमताज और धर्मेंद्र ने इंडियन आइडल 13 में समा बांध दिया। मुमताज ने शो की कंटेस्टेंट देवस्मिता राय को 1,00,000 रुपए गिफ्ट कर दिए। मुमताज ने जब देवस्मिता राय और उनके माता पिता को 1,00,000 रुपए दिए तो उन्होंने लेने से मना किया। तो मुमताज ने उनसे कहा कि जब हम बड़े बड़े आर्टिस्ट का शो देखने के लिए जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं, ये बच्ची फ्री में ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, इसलिए मैंने सोचा कि वहां टिकट नहीं इसलिए यहां पर टिकट ले लिया जाए, आप लोग ज्यादा सोचिए मत। इसके बाद देवस्मिता राय वो पैसे ले लेती हैं और इस तरह से देवस्मिता को ये गिफ्ट देकर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसे गलत बात भी बता रहे हैं तो कुछ लोग अच्छा उपहार भी बता रहे हैं। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता के लिए आज इतनी गंदी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप शायद यही कहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि हमेशा याद रखा जाए। जी हाँ, 1 फरवरी को पवन अरुणिता का चेन्नई में लाइव शो था। चॉकलेट पाई को परमिशन मिली थी कि वो इनके शो को अपने पेज से लाइव दिखाएं। हो सकता है कि ये शो चॉकलेट पाई ने ही मैनेज किया हो जिसकी वजह से उन्हें ये परमिशन मिली हो, लेकिन अगर चॉकलेट पाई ने ये शो शूट किया होगा तो शायद शर्म के मारे उनकी आंखें भी झुक गई होगी कि इतनी गंदगी फैलाने वाले लोग भी हैं। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता का चेन्नई में फैंटास्टिक शो हुआ लेकिन कुछ लोगों की वजह से माहौल खराब हो गया। कुछ लोग जो पवनदीप के फैन बता रहे हैं लेकिन यकीनन ये पवनदीप के फैन हो ही नहीं सकते, बल्कि फेक आईडी बनाकर खुद को पवनदीप का फैन बता रहे हैं। इन लोगों ने अरुणिता के कपड़ों पर गंदे वाले कमेंट्स किए। जब चॉकलेट स्पाई इस शो को लाइव दिखा रहे थे तो ये सारे गंदे कमेंट्स देखे गए। ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो पवनदीप को खुद का फैन बता रहे हैं।
ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है और फिर उन्हें सालों की सजा भी हो सकती है। अगर फैन नहीं है तब भी कोई भी किसी के लिए इतना गंदा कमेंट कैसे कर सकता है। आप खुद चॉकलेट पाई के चैनल पर जाकर इनके शो की लाइव वीडियो में कमेंट्स देख सकते हैं जिसमें ट्रोलर्स ने हदें पार कर दी है। हैरानी की बात यह है कि अरुणिता को ही सिर्फ ट्रोल किया गया। अरुणिता पर उंगलियां उठाने वाले इन ट्रोलर्स ने गालियां सुनने वाला काम किया है। जी हां, ऐसे कमेंट्स देखने के बाद पवन अरुणिता के फैंस ने इनकी सिट्टी बिट्टी गुल कर दी और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। आप ऐसे ट्रोलर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता का कह दो गाना 2 दिन बाद यानी 3 फरवरी को रिलीज हो रहा है। पवन अरुणिता अपने फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। हर नए गाने में पवन अरुणिता की नई केमिस्ट्री देखने को मिलती है और उम्मीद करते हैं कि पवन अरुणिता इस नए गाने में भी नया तोहफा लेकर आ रहे हैं। खैर अभी 2 दिन है और कल इनका अपकमिंग सॉन्ग कह दो का टीजर भी आ चुका है जिसमे पवन अरुणिता ने दिल जीत लिया। अब गाना भी आने वाला है लेकिन गाना रिलीज होने से पहले हम आपको पवन अरुणिता के कुछ दिलचस्प पिक्चर श्रीनगर के दिखाते हैं जिसमें पवन अरुणिता की अटैचमेंट तो देखिए। ब्लू सूट पहने अरुणिता बड़ा की खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस में अरुणिता वाकई बहुत ही प्यारी लगती हैं। लोग उन्हें बार बार देख रहे हैं। श्रीनगर में पवन अरुणिता दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर फोटो शूट करवाते दिखाई दिए। इनके अलावा पवन अरुणिता के ढेर सारे शोज की पूरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। जी हां, आज यानी 1 फरवरी को भुवनेश्वर में पवन अरुणिता शो के लिए निकलने वाले हैं। 4 फरवरी को पवन अरुणिता का गुवाहाटी में फिर से शो है। 5 फरवरी को पुरी में पवन अरुणिता शो के लिए जा रहे हैं और 9 फरवरी को वेस्ट बंगाल में शो है। 11 फरवरी को गुजरात में, 13 फरवरी को वेस्ट बंगाल में फिर से जाना होगा और 20 को अम्बाला में शो करने जा रहे हैं। 22 को अहमदाबाद में भी धमाकेदार शो होने वाला है। तो कुल मिलाकर इस पूरे वैलेंटाइंस डे वाले महीने में पवन अरुणिता एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और इस बार का वैलेंटाइंस पवन अरुणिता का बहुत खास होने वाला है। इस पूरे मामले में आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल के फैंस के लिए अब जो खबर सामने आई है उसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे क्योंकि इस बार पवनदीप की हालत इतनी ज्यादा गड़बड़ाई हुई है कि वो एक निबाला तक नहीं खा पा रहे और ना ही वो सो पा रहे। रात रात भर जागते रहते हैं। तो चलिए बता दें कि आखिरकार किसने पवनदीप की नींदें उड़ा दी है और खाना पीना भी छीन लिया। तो सबसे पहले हम पवन अरुणिता के फैंस को एक मैसेज देना चाहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि खुश होने की बात है कि ये नींद और खाना पीना पवन अरुणिता के फैंस ने छीना है, पवन अरुणिता की खुशियों ने छीना है। पवन अरुणिता किसी दुख में नहीं है बल्कि वो ढेर सारे शोज में इतने बिजी हैं कि उन्हें खाने पीने का टाइम भी नहीं मिल रहा है और वो इस बिजी लाइफ में बहुत खुश हैं। इनके पास ढेर सारे शोज आ रहे हैं और इनके जरा भी फुर्सत नहीं मिल रही है कि ये ढंग से खाना पीना खा लें। पवन अरुणिता की ऐसी हालत देखकर उनके माता पिता भी सदमे में और इनके लिए चिंता कर रहे हैं और इन्हें बार बार मैसेज करके सलाह दे रहे हैं कि खाना पीना अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अरुणिता की माँ तो बहुत घबराई हुई है, वो बार बार अरुणिता को टोक रही है कि अपना ध्यान रखो। तो आपको बता दें पूरी फरवरी पवन अरुणिता के पास ढेर सारे शोज हैं और अब तक 1-2 शोज और भी शामिल हो चुके हैं। कुल मिलाकर पवन अरुणिता बहुत बिजी है, मतलब पवन अरुणिता के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। उड़ीसा, भुवनेश्वर, अंगुल में लगातार शो है और भी कई शहरों में पवन अरुणिता को जाना पड़ा है। तो पवन अरुणिता की इस बिजी लाइफ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और ये खुशी की बात है कि पवन अरुणिता को फैंस की तरफ से इतना ढेर सारा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और वो अपनी कामयाबी की राह पर चल दिए।